नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का शुभ महीना सावन आ गया है, जो कि 10 जुलाई से शुरू हो गया है और सैकड़ों सालों के बाद बेहद ही खास संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस बार सावन सोमवार से शुरू होगा और सोमवार के दिन ही खत्म होगा। दोस्तों, इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे, जिससे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाएगा और भगवान शिव को प्रसन्न करके मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को अपने नाम के अनुरूप बहुत भोला माना गया है। दोस्तों, सावन में कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अगर भगवान शिव का पूजन और अर्चना करता है तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सोमवार को, सावन के इस पहले सोमवार को विशेष उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, खास करके विवाह में आ रही बाधा या फिर धन संबंधी कोई भी समस्या आपके जीवन में हो और अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हो, तो भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से अच्छा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, सोमवार का दिन खास करके भगवान शिव को ही समर्पित किया गया है और इस बार सोमवार सावन सावन का महीने का ये पहला सोमवार है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने से इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूरा का करने का वरदान देते हैं। दोस्तों, सोमवार को या प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करके शिव जी का पूजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जल में अगर गंगा जल की बूंदें कुछ मिला ली जाएं तो बहुत ही बेहतर होता है और बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव को खुश करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। दोस्तों, धन संपत्ति पाने के लिए 108 बेलपत्र लेकर शुद्ध जल से धोकर इन्हें पवित्र करें और उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना में इस्तेमाल करें। भगवान शिव पर अर्पित करने से पहले इन बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आपके पास चंदन मौजूद ना हो तो हल्दी का उपयोग किया जा सकता है और इसके पश्चात शिवलिंग पर अर्पित कर इन बेलपत्रों को अर्पित कर करने से बहुत ही जल्द आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं और सदा खुशियों का आगमन आपके घर में होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।